एक तरफ सरकार सरकारी रोडवेज बसों को घाटे से उभारने के लिए पूरे प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ इन रोडवेज बसों के सरकारी नुमाइंदे ही अगर सरकार की हवेलियों और आदेशों की पालना नहीं करे तो ये बहुत ही बड़ा सोचने वाला विषय है। हम बात कर रहे हैं पाली जिले के ग्राम सेंद्रा की, जहाँ पर सेंद्रा ग्राम के बाईपास से ही बसें निकल जाती हैं और यात्रियों को बाईपास से ही बस चालक और परिचालक द्वारा उतार दिया जाता है, जिससे यात्रियों को कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। साथ ही कई बार यात्रियों और परिचालक और बस चालकों के बीच विवाद भी हो जाता है, लेकिन कई बस चालक बाईपास होकर ही निकल जाते हैं। इस बारे में कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन आज दिन तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज भी सेंद्रा ग्राम के ग्रामीण बसों के इंतजार में कई घंटों बिता देते हैं और वो निजी वाहनों में ज्यादा राशि देके उन्हें सफर करना पड़ता है, लेकिन बसों के इंतजार में वो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। आज भी ये सोमवार की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेंद्रा के समीप जो बाईपास है वहां से ये दो सरकारी बसें, एक जोधपुर डिपो और दूसरी चित्तौड़गढ़ डिपो की, जो कि बाईपास पे ही सेंद्रा की जो सवारियां उसमें बैठी थी उनको उतार दिया गया है, और बाईपास से ही किस तरह से ये बसें गुजर रही हैं और सरकारी नुमाइंदे जो कि सेंद्रा में बस स्टैंड हैं और उन बसों को अंदर जाने के लिए आदेश दे रहे हैं, लेकिन उन आदेशों की कोई पालना नहीं की जा रही है। बरसे बलिया जुलाने और श्याम सैनी की रिपोर्ट, न्यूज एंड डेटा राजस्थान। हमारे रोडवेज की समस्या तो भयंकर है। 2007 से हमने आदेश कराए बड़ी मुश्किल से एक्सप्रेस बसों के, उसके उपरांत आदेश भी हो गए 2007 से लेकर 2019 तक। अभी तक हम भागा दौड़ी कर रहे हैं बसों अंदर आने के लिए, स्टैंड कर भी दिए बसों के अंदर, और जो शिकायत करते चालक परिचालक की उसके उपरांत जब शिकायत करते तो मुख्य प्रबंधक वो स्टैंड ही हटा देते, समाधान नहीं करते, स्टैंड हटा देते सेंड्रा। और मैं ब्यावर लिखा पढ़ी करते करते तो हमको ब्यावर आगार को बीट इंचार्ज बनाया गया, जो भी शिकायत होती है हमारा वो सहयोग करते हैं, लेकिन उनकी भी वो सुनाई नहीं करते। और कल परसों में गया मंत्री जी के पास जयपुर, अकेला मिलने गया जनहित के लिए, अर्जी हमें लेकर गया था, और मैं गया और वो साहब निकल गए वहाँ से, तो मुझे मेरी अर्जी में वहाँ पोस्ट डबल था उनका निजी, तो वहाँ तो मिला नहीं, और वहाँ गार्ड बैठे हुए थे उनको मैं देख कर आया। ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत परेशानी है, महिलाओं को आए दिन रात में बाहर बाईपास उतार देते हैं, कोई साधन मिलता नहीं मिलता, कोई निजी साधन किसी के पास है या नहीं है, और किसी को पड़ोसी को कहते हैं तो वो महिलाओं को लेकर आते हैं, सबसे बड़ी भाई इनका बुजुर्ग और महिला और बच्चों की, रात में कहीं से बैठाते नहीं है सेंड्रा के लिए, जैसे इसमें सेंड्रा के अंदर डाकू रहते हैं, इसलिए तो आते हमको अंदर आने के लिए मना कर रखा ये है। और चालक परिचालक हम आदेश की कॉपी बताते हो क्या भोगली बना के घुसे दो, ये आदत है इनकी, चालक परिचालक और मुख्य प्रबंधकों को जो बड़े अधिकारी उनके ये बोल है कि आदेश तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, हमें तो बस से बाईपास ही जाएगी और बाईपास ही चलेगी, हमारे पास कोई बाईपास सब जगह है, रायपुर बाईपास है, दिमाज बाईपास है, जेतारण बाईपास है, सोजत बाईपास है, यहाँ क्यों नहीं अंदर जाती है, वहाँ क्यों अंदर जाती है, सेंड्रा ही क्यों छोड़ती है, जबकि सेंड्रा रेलवे स्टेशन का मना हुआ स्टेशन है, 5 जिलों का मेन स्टेशन, ये अजमेर, ये राजसमंद, पाली, नागौल, जोधपुर, इन 5 जिलों का सीमा का स्टेशन है, सब ये कालू कैकिन वगैरह के सबके यात्री आते, उनके वजह से आने सेंड्रा आने ही बंद हो गए। रेलवे की बुकिंग सो गई लेकिन रोडवेज की बुकिंग भी मारी जा रही है, क्यों भाई यात्री बैठा तो नहीं है, अवैध वाहन से सीधे चले जाते, या तो ब्यावर चले जाते या हरिपुर चले जाते, सबसे भयंकर परेशानी रोडवेज की, सबसे महिलाओं की, बुजुर्गों की, मैं सीनियर आदमी हूँ, रेलवे कर्मचारी हूँ, रिटायरमेंट हूँ, कंडक्टरों की ये है कि बहुत अभद्र से बात करते हैं, और स्टैंड हटाए जा रहे हैं, लिखापटी करते तो स्टैंड हटा देते, और किसके आदेश से स्टैंड हटा रहे, मुख्यालय का आदेश मानते नहीं, दोनों आदेश बड़ी मुश्किल से कराए, लिखापटी करके कर्मचारी लगाया हमने वहाँ बाईपास पे, उसको अवॉइड करके बाहर निकल रहे, कोई इशारा करते और भाई वो इतना चलता, वो एक कर्मचारी है वो जा नहीं सकता, उसको इशारा भी करते तो कोई कोई ईमानदार ड्राइवर होगा वो अंदर लेकर आए, बाकी तो सब बाईपास जा रही है। ब्यावर आगार के प्रबंधक जो रघुराज सिंह जी, वो हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं,